पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका दो मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है। पहले टेस्ट मैच से पहले आज तकरीबे ट्रॉफी रूनमाई हुई, जिसमें बाबर आजम और श्रीलंका कैप्टन ने शिरकत की। दोनों कप्तानों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना था, सुनिए। यस, वी हैव अ लुकिंग फॉरवर्ड टू द टूर्नामेंट टेस्ट चैंपियनशिप एंड वी हैव अ स्टार्टिंग टुमारो एंड वी आर प्रिपेयर वेल। वी हैव अ कपल ऑफ गुड कैंप इन बैक होम एंड देन वी हैव अ प्रैक्टिस मैच हियर एंड everyone is excited to play match and give a good performance. Danushka, do you have to stop? Baba, how crucial is Shahid Afridi in your side? How crucial is he? As a captain, I am very excited because he is injured here and now he's come back test match series against Goa. So I am looking forward to the Shaheen Shah and everyone is looking forward and yes, we have already say we have a couple of a good camp and then he is bowling in a practice game and he's looked good. So yes, I am very excited and looking forward. Yeah, do we have any more? Yeah. All right, tell us about your preparation, and you know, we know that South Tracking has been preparing very well to play the sweep, slog sweep, paddle sweep and every sort of variation. So tell us something more about your preparation. Our preparation is good because in goal, as we know, is a little bit turn and help the spinners. So we are prepared mostly our shots and we are develop different shots. We are prepared mostly spinners and everyone is prepared. And like Abrar, we have a spinner and Numan, Nawaz and our batsmen are also prepare because we are practicing here and practice matches. So yeah, we have a good shape and looking forward. देखें, शहीन की जैसे आपने बात की, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और अगेंस्ट जिस टीम के भी खेलते हैं तो वो थोड़ा सा अफ्रेड रहते हैं और क्योंकि स्किल बॉलर है और एक्सपीरियंस बॉलर है और एक कहते हैं ना फास्ट बॉलर, एक जो हार्ड वर्किंग और वो जो उनका वो एग्रेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम पे अपने आप को बैक नहीं करता और अपने बैक की वजह से टीम को बैक पर नहीं लाता कभी। हमेशा जब भी मैं उसको कोई भी सिचुएशन में बॉलिंग का कहता हूँ, वो ऑलवेज रेडी रहता है। तो ये एक गुड साइन है पाकिस्तान टीम के लिए और यंगस्टर के लिए, और जिस तरह उसने बॉलिंग की है और उसने प्रैक्टिस मैच कैंप में, तो वो एक डिफरेंट नज़र आ रहा है। इंजरीज के बाद जो टेस्ट मैच में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो एक डिफरेंट नज़र आ रहा है उसमें। और हसन अली की बात रही, बिल्कुल देखें, जिस तरह वो बैक टू बैक वो क्रिकेट खेलता आ रहा है, काउंटी में खेला और उसमें वो जितने भी मैचेस खेले उसने डोमिनेट किया, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। तो यही एक, वो भी एक्सपीरियंस बॉलर है, जब भी आप पे बैच पैट जब आता है तो आप उससे निकलना वो आप पे है, तो उसको इतना नॉलेज है कि मैंने कैसे कम बैक करना, तो उसने ये करके दिखाया और पास में भी उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है काउंटी में। तो रेट तो हमारी फास्ट बॉलिंग का जिस तरह भी आप नाम ले लें, शहीन है, नसीम है, हसन अली, तो वो हमारी टॉप कैटेगरी में आते हैं। तो इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। एक और किसकी? अच्छा, देखिए डिपेंड करता है, अभी अभी फोकस मेरे ख्याल से हमारा जो है वो उसको रेड बॉल पे है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलेगा तो उतना उसको एक्सपीरियंस आएगा। लेटर ऑन हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हम डिसाइड कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अभी हमारी वाइट बॉल की जो बॉलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह उसामा मीर, शदाब खान है, नवाज है, तो मेरे ख्याल से हमारी जो बेस्ट कम्बिनेशन बना हुआ है वाइट बॉल का वो काफ़ी अच्छा है, और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो वाई नॉट हम इस बारे में सोचेंगे। लुक, लास्ट टाइम द सेम विकेट, not any difference because I am see now and last time they are a similar wicket,
Because when you are come here, you always give you a challenge. They have a like as we know spin wicket. They help spinners. So we prepare well, inshallah, and we will try our best to perform well. Sir, do you have a question or is it done? All right, last question. Babar bhai, aapne hath jodne ki report banaya hai. Har kisi ki report hai. नहीं, मेरे लिए ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है. हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा काम ये होता है कि मैं परफॉर्म करूं और जितने भी रिकॉर्ड टूटे हैं वो परफॉर्मेंस से टूटे हैं और इंशाल्लाह मेरा आगे भी यही फोकस है कि परफॉर्मेंस देते रहें, इंशाल्लाह खुद ब खुद नाम आता रहेगा. दैट्स अ गुड नोट टू एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू.